नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे और शेयर करे और कमेंट करे। थैंक यू। देखिए दोस्त, ये क्लास टेंथ का मैं त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत से मेरे छात्रों ने कई दिन से कह रहे थे कि गुरुजी चैप्टर शुरू कीजिए, तो मैंने सोचा कि चैप्टर शुरू करें इन लोगों को काम आएगा। तो विद्यार्थियों के कहने पर मैं त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहा हूँ। आइए मेरे दोस्त, देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो होता है इसमें एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज होता है। वो कौन सा त्रिभुज होता है? इस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से हर तरह का सवाल आता रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त कि त्रिकोणमिति में मुख्य तरह से सबसे पहले हम देखेंगे आधार। सबसे पहले देखेंगे आधार। आधार, इसके बाद आपका आता है लंब। लंब, और लंब के बाद आता है कोण। कोण, ठीक ना? देखिए आधार, लंब, कोण, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये आता है। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम पहचाने कि आधार क्या है, लंब क्या है और कोण क्या है। जब इसको पहचान जाएंगे तो त्रिकोणमिति का हमारा कुछ मतलब बुद्धि हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। तो इसमें देखा जाता है त्रिकोणमिति में कि समकोण केवल एक ठो कोण होता है जो 90 अंश का बनता है, ठीक ना? त्रिभुज में तो तीन कोण होता है। यह त्रिभुज जो है हमारा समकोण त्रिभुज है, तो इसमें तीन कोण है। पहला मान लिया जाए ए, यहाँ मान लिया जाए बी और यहाँ रख दिया जाए सी। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ए हमने यहाँ रखा, हम चाहें तो ए यहाँ भी रख सकते हैं, चाहें तो हम ए को यहाँ रख सकते हैं, चाहें तो बी को हम यहाँ ले जा सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए तो ए बी सी, ए बी सी, यहाँ से ए बी सी अथवा ए सी बी। तो हमारा कोण ये जो है 90 अंश है। अब 90 अंश को देखेंगे तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक और एक मुद्दा आता है जिसको हम कहते हैं थीटा। इसका नाम है थीटा, ठीक ना? और थीटा की सहायता से, थीटा और 90 अंश, जो 90 अंश का कोण है, यही दो ठो मेन कारण है। इसी की वजह से आधार पहचान आता है, कोण पहचान आता है और लंब पहचान आता है। तो देखा जाए मित्रों, ये थीटा जो होता है या तो बी के पास लगता है और नहीं तो सी के पास लगता है। तो अगर बी के पास थीटा लग गया, थीटा जो होता है न्यून कोण पर ही लगता है, समकोण के पास थीटा नहीं लगाया जाता है। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब कि जो 0 अंश से ज़्यादा और 90 अंश के कम के बने कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ 90 अंश का बना, ये न्यून कोण नहीं होगा, ये समकोण होगा। और यहाँ कोण बी जो हमारा है न्यून कोण बनेगा और कोण सी हमारा ये जो है न्यून कोण बनेगा। तो थीटा या तो कोण बी के पास रहेगा नहीं तो सी के पास रहेगा। तो देखिए दोस्तों,
अब हम चलेंगे कौन किसे कहते हैं, कौन किसे कहते हैं, आइए देखें कौन किसे कहते हैं। देखा जा एक तरीका से देखा जा तो अगर इसको माप लिया जाए, इसको माप लिया जाए और फिर इसको आइए तो माप लेने पर पता चलेगा कि इसमें तीन भुजा है और तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा यही दिखाई दे रहा है, बड़ी भुजा ये दिखाई दे रहा है, ये जिसका नाम है बी सी या सी बी। नापोगे दोस्त तो पता चल जाएगा, फिर भुज बना लीजिएगा और भुजा को नापिएगा। एक जो होता है डोरा ले लीजिएगा डोरा, और डोरा से यहाँ पर लगा दीजिएगा यहाँ पे, और फिर उसी को यहाँ देखिएगा, फिर यहाँ देखिएगा, देखिएगा कौन सा भुजा बड़ा हो रहा है, तो ये भुजा बड़ा हो रहा है, ठीक ना। तो अब पहचान में आ गया कि सबसे बड़ी भुजा को कौन कहते हैं, ओके। सबसे बड़ी भुजा को कौन कौन कहते हैं, ठीक, कौन का पहचान हो गया। ओ भाई ये लॉन्ग और अरे कहाँ लिख दिए हम, सॉरी, ठीक, सबसे बड़ी भुजा को कौन कहते हैं। आइए दोस्त, कौन का तो पहचान हो गया। एक पहला तरीका हमने बताया कि भुजा को मापेंगे तीनों भुजा को, और जो भुजा बड़ा होगा उसी को हम कौन मानेंगे। ये तीन में सबसे बड़े भाई है कौन, यही बड़ा भाई है कौन। आइए अब आपके आ गया लंब और आधार, इसका कोई पहचान नहीं होता है। कौन का तो पहचान है, सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं, लेकिन आइए लंब और आधार विद्यार्थी को हरदम दिमाग में धोखा देता है, कंफ्यूज कर देता है कि भाई कौन की लंब किसको माने, ए बी को माने कि ए सी को माने, दिक्कत हो जाता है, कभी ए बी को मानता है रहता है सवाल में ए सी और मान लेता है ए बी को, कोई लड़का क्या करता है ए सी को कौन मान लेता रहा मान लेता है और ए बी कौन है ए सी को लंब मान लेता है और रहता है लंब बी सी ए बी रहता है और ए सी को मान लेता है। देखिए मतलब कि लंब और कौन सही तरीका से पहचान में नहीं आता है। आइए हम आपको सही तरीका से पहचान करा रहे हैं। देखिए दोस्त, अगर थीटा दिखाई दे रहा है ना, ये थीटा जो है अगर कोण बी पर लगे हो तो मान लो थीटा पर दो भुजा इसको टच किया है, थीटा को दो भुजा टच किया है, एक तो ये भुजा टच किया है यानी स्पर्श किया है और एक तो ये भी भुजा टच किया है, इसको छू दिया है, तो देखेंगे कि एक बी सी छू दिया है, टच किया है, तो बी सी तो भाई सबसे बड़ा का है, वो तो सबसे बड़ा है, वो तो कौन है, वो कौन है, इसको तो हम आधार मानेंगे ही नहीं, लंब मानेंगे कौन है। तो एक टच किया है ए बी, एक टच किया है ए बी, तो ए बी हमारा आधार हो जाएगा, ए बी हमारा आधार हो जाएगा, ठीक। तो ये आधार पहचानने का तरीका कि आधार कैसे हम पहचाने कि ये थीटा जो है कोण बी पर रहता है और कोण बी पर दो भुजा टच करता है, तो एक दो भुजा टच किया है तो एक भुजा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है वो तो कौन मानेंगे, लेकिन एक भुजा इसको तो आधार मानेंगे नहीं, ये तो कौन में चला गया, और ये भुजा एक और टच किया है, ये हमारा हो जाएगा थीटा, और थीटा को टच किया है एक, अब
एबी भुजा को आधार मान लिया, आधार हो गया। अब दोस्तों अब चलेंगे हम लंब किसको कहते हैं, तो थीटा के सामने चलो, थीटा के सामने चलो, देखो कौन भुजा मिल गया, एसी मिल गया। तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब कहते हैं, ओके। और जो है थीटा जो है, जो थीटा को एक ए बी भुजा स्पर्श किया है, ये आधार हो जाएगा, और थीटा के ठीक सामने हम चले हैं तो ए बी ए सी मिला है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा कोण हो जाएगा। दोस्त ये तो पहचान आ गया, एक तरीका और हम तुमको बता देते हैं कैसे पहचाना जाता है। आइए अच्छा एक और देखिए, अब मैं एक बताना भूल गया कि आधार और लंब हरदम चेंजिंग होता रहता है, बदलता रहता है। ये आधार है कभी लंब हो जाएगा, ये लंब है कभी आधार हो जाएगा, कैसे कैसे देखिए, ये थीटा है दोस्त, ये थीटा था बी पर, कोण बी पर, तो कोण बी पर था तो ये वाला भुजा हमारा बताई दिया कि आधार होगा, और ये भुजा लंब होगा इसके सामने चलेंगे तो। अब थीटा कहीं कहीं सी पर लगा देता है, कहीं कहीं सी पर लगा देता है, तो देखो दोस्त अब जब सी पर लगा देगा ये थीटा, तो अब हम क्या देखेंगे, एक तो है कि कोण नहीं बदलेगा, कोण कहता है कि मैं चेंज नहीं होगा, तू लो बदलते रहो। तो अब थीटा हमारा यहाँ लग गया, तो देखो ठीक से देखो, थीटा को दो भुजा स्पर्श किया है, दो ठो भुजा स्पर्श किया है, एक ठो इधर वाला भुजा बी सी और एक ठो ए सी स्पर्श किया है, तो बी सी तो होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये तो होगा नहीं, तो कोण तो छूट गया भाई, खत्म, ये लंब आधार नहीं होगा। अब चला जाए ये वाला बचा है कि ए थीटा को स्पर्श किया है, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लॉन्ग, ये हो जाएगा लॉन्ग। ये पहचान करने का तरीका, एक कोण का परिभाषा एक और मैं दे रहा हूँ कि सम कोण के ठीक सामने वाले भुजा को कोण कहते हैं, सम कोण के ठीक सामने वाले भुजा को कोण कहते हैं। अब देखो दोस्त, थीटा के ठीक सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, ठीक ना, थीटा के ठीक सामने वाले भुजा को लंब लंब कहते हैं। थीटा जहाँ रहेगा, थीटा जिस कोण पे रहेगा, उसके कोण से, उस कोण से चलेंगे तो उसके सामने जो भुजा मिलेगा वो लंब होगा, और 90 के ठीक सामने चलेंगे तो हमारा कर्ण मिलेगा, एक भुजा बच गया दोस्त तो आधार हो जाएगा, ओके। ये रहा आधार लंब कर्ण की पहचान, और हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग त्रिकोणमिति के त्रिभुज जो हम बनाए हैं संपूर्ण त्रिभुज, इसमें लंब आधार कर्ण, हमारा वीडियो को ठीक से देखिए और लंब आधार कोण की सबसे पहले पहचान कर लीजिए, अगर इसको पहचान कर लिया तो त्रिकोणमिति तुम्हारे दिमाग में घुसेगा, नहीं पहचान किया तो त्रिकोणमिति तुम्हारे बस का नहीं है। थैंक यू वेरी मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।